अमित भाई की यहाँ जो है पूजा है उनके यहाँ रुद्राभिषेक का। तो भी आ गई और इधर दीदी भी आ गई, रुद्र भैया भी आ गए, सभी लोग। असास भाई नहीं है, वो नहीं आए आज। नहीं है क्या हुआ, काहे नहीं है? नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो देख रहे होंगे हमारे भांजे को सो के उठाई है, सो के उठा है, इसलिए एकदम लग रहा है कि एकदम रूठा हुआ टाइप से। रेड एप्पल। ए हाँ जी, अमित भाई की यहाँ जो है पूजा है उनके यहाँ रुद्राभिषेक का, तो वह लगभग 10:30 या 12 बजे के करीब सब होगा, तो उसमें भी हम लोगों को जाना है। रवि भाई का भी कॉल आया था, वह भी वो लोग जो आ रहे हैं वो लोग, वो तो पहुंच गया नोएडा, वो भी आएगा। तो उसके बाद जी बाकी सभी क्रिएटर सब भी आएंगे, तो सभी लोगों से जो है हम लोगों की मुलाकात भी होगी। आज दीदी की एनिवर्सरी दी है। हाँ, तो आज हमारी नैन्सी दीदी और जीजा जी दोनों की एनिवर्सरी है जी, तो उन दोनों को सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी का जी हो गया था तबीयत खराब, और अब जो है मम्मी कैसा है तबीयत? है तो बहुत बेहतर, फीवर से मन अनवल हो गया। बिल्कुल इधर उधर घूमना नहीं है, बस रेस्ट करो, 3-4 दिन है और फिर आखिरी दो दिन में भी हम लोग पूरा दिल्ली घूम सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सही बात है। और इसका भाई जो है अभी तक सोया हुआ है, और रात में जो है तमाशा किया है, अच्छा कैसा भाई? दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ लोग मिलने के लिए भी आता है और कुछ देखने के लिए भी आता है। हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम गलत टिकट कटवा लिया, 14 को हम जाते उसी साथ में कटवाता, सब तो आदमी जाते हंसते बोलते, क्योंकि 14 को हम लोग निकलेंगे, फिर उसके बाद 16 को भी अटेंड करना है। सही, तो इससे अच्छा है कि 11 को निकल जाएंगे, एक दो दिन रेस्ट भी मिल जाएगा, कुछ मार्केटिंग भी, शॉपिंग सब भी कुछ होना है वहाँ पे, इसीलिए कुछ ऐसी स्थिति। मेरी बहन लोग जाएगी तो उन लोग के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था करेंगे। सही बात है। हमारी बहू रानी का आप देख लीजिए, अपनी सास को चाय दी, हमको नहीं दी अभी, चचेरी ससुर को भी दे दिए, चचेरी को नहीं दे रही है, चचेरी सास को। वीडियो के माध्यम से कह दो तुम लोग को जाना है कैसी, तो तुम लोग अपना सूचना दो, तो हम लोग उस तरह से तैयारी करेंगे जाने का। तो यहाँ पर बात चल रही है हमारे एक भाई की। जी हाँ, हमारे एक भाई की जो है शादी होने वाली है, मामा जी का लड़का है वह, तो हमारे एक और मामा जी है, तो उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे जब हम लोग वहाँ शादी में जाएंगे। बात चल रही है हमारी जो कानपुर वाली फैमिली है, वह भी वहाँ चलेंगे कि नहीं, तो देखते हैं, उनसे भी पूछेंगे, और अगर वह सब भी चल ले तो मजा आने वाला है। तो और यहाँ का बेड का जो है हाइट भी थोड़ा नीचे है, तो आराम से उतर जाता है अपने बेड से, उतर जाता है। और उतर के आया तो यहाँ पर लाइट जला हुआ है, दिखा दो, हमें भी चाय दी है, इधर दिखा दो। अच्छा, तुमको भी चाय मिल गया, कोई बात नहीं, देख ली। क्या करना है किरण? अच्छा, एक बार काम करो, इसका चेन लगा दो। आजा, चेन लगा दो इस बालक का। पहले पूछी दे रहा मम्मा को लिप्स पे, पूछी दे रहा। अच्छा खासा पूछी दे रहा मम्मा को। क्या सुस्ती आ रही है इसको, ये देख, सुनवा गए का फोटो ले। वाह 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 वाह, सौभाग्य है जो यहाँ आए थे, एक दूसरी बेटी भी मिली। अच्छा, नाम सुनते थे, आज हम लोग पढ़ते थे, सामने से देख मिली, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। One hour later. तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, इससे पहले मैं कुछ भी वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेकअप का मैं ब्लॉग शूट करूँगी, जो कि रेडी होने से पहले शूट करना था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाई, और मैं सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, पतिदेव नहीं जा रहे हैं, कुछ रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हमने सोचा हम आए हैं तो कम से कम हम चले जाते हैं, तो चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ और पैदल ही जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पास में ही है, थोड़ा सा दूर है, तो हमने सोचा अगर मेन रोड हो कि हम गाड़ी ले कर जाते कोई भी ऑटो या कुछ भी, तो ज़्यादा समय लगता, और ये पैदल जा रही हूँ तो उससे कम समय में पहुँच जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। तो मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, तो चलती हूँ ऊपर। हैप्पी पूजा चल रहा है इधर हमारे, ओम हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्व नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपति विश्व नमो नमो कृष्णेभ्यो गणपति विश्व नमो नमो विरूपेभ्यो विश्व नमो नमः नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रदा स्मदाम्मा श्रीमते।
नमस्ते दीदी। रूपम नादा संधानम संगीता संदेह सहसा गणेश विद्या गण गणेश नमो गणपतये नमः प्रमद पदये नमस्ते स्तुलंबोदराय। चलो क्या कुछ नहीं डालू ये वाले चावल इसमें डाल दो प्रसाद। तो अभी हम लोगों का थोड़ा बहुत पूजा हुआ है, तिलक लगाया गया, अभी हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, सभी एक बाई एक सब लगवा रहे हैं। और अभी किट्टू नहीं आई है, थोड़ी देर में किट्टू आएगी, पूजा भी रेडी हो रही है, पूजा भी आएगी थोड़ी देर में। किट्टू भी आ गई और इधर दीदी। आज तक मैंने इनको बस ब्लॉग में देखा था, आज फर्स्ट टाइम देखा मैंने आपको। फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है आपको। हाँ हाँ, मैं ज्यादा फंक्शन में नहीं आई थी ना, इसी पहली बार आई है ना फंक्शन में, तभी नहीं मुलाकात हुई। सामान तो मेरा एक जगह था, बहुत हेल्प कर रही है, बहन है तो करना ही पड़ेगा। ओम हरि ओम मा पया ओ पृथिव्यां वय ओ नदीकुभ्यो ओं मा पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेनः शिवाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय नमो नमः। पयासनानां ते पुनः शुद्धो हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विराट गृह सोम में मधुवार जो मधुवा ही सोम मवाद जूत और जोर वृक्ष नाम से आप होगा बने उज्जैन जाले में सुबह चाम मधुवार जतन समझ जाते तब बसता है मेरे सिर में देवाना माता मधुवार पर बता विश्वदेव मधुवार जय सतन बरे के तुम भी आ गए। रोद्र भैया भी आ गए, शिव शिव अब उन्हीं से पूछना का ही नहीं है। तो अभी हमने जल चढ़ा लिया है और सभी लोग चढ़ा रहे हैं।